अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं कि एक्सप्रेशन क्या है और सेकंड जो है डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है कि एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। चलें जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, गिव सम एग्जांपल। एक्सप्रेशन क्या है जी, अ स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है जो हमें कोई वैल्यू जो है इवैल्यूएट करके देती है, कोई वैल्यू जो है हमें मतलब इवैल्यूएशन के बाद, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो है एक वैल्यू जो है वो हमें देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ए प्लस बी, ये इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो हमें क्या दे रही है, ए प्लस बी, मतलब ए में कुछ हमने रखवाया हुआ है, ए में हमने क्या रखवाया हुआ है जी, वन रखवाया हुआ है, और बी में क्या है, टू है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है कि हमें एक वैल्यू जो है वो इसका आंसर जो है हमारे पास एक आंसर आ रहा है, एक वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करके दे रही है। क्या वैल्यू जो क्या दे रही है हमें, फिर जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, इससे भी एक जो है सिंपल जो डेफिनेशन आप एक्सप्रेशन की ले सकते हैं, क्या है जी, एन एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है ऑपरेटर का और ऑपरेंड्स का। ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं। आपने ये एक जो डेफिनेशन देखी है, स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट जो हमें कोई इवैल्यूएट करके कोई वैल्यू प्रोड्यूस करवाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और दूसरी जो है डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि एन एक्सप्रेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ठीक है, एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या करती है, हमें एक सिंगल वैल्यू जो है वो जनरेट करके देती है। अब देख लेंगे, हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस बी। ये क्या है हमारे पास, इसको इस तरह की जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट लिखी होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लस, यहाँ पे कोई आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी साइन लगा सकते हैं और डिफरेंट जो है ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हमें एक सिंगल वैल्यू जो है वो देती है। ठीक है, उसके बाद क्या जी, एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होता है, ये जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, इस तरह के जो होते हैं ऑपरेशंस, हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, ठीक है, सी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स। ठीक है, जो भी आपको कोई सिंबल नज़र आता है, ऑपरेशंस नज़र आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं या कोई वैल्यूज़ होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। ठीक है, मतलब वन टू में से भी कोई सी भी वैल्यू है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। और जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास सिंबल्स होते हैं ये प्लस एडिशन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, माइनस का, ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। वही बताया ना कि हमारे पास जो होती है एक्सप्रेशन क्या होता है, कम्बिनेशन होता है ऑपरेंड का, ए क्या है हमारे पास, ऑपरेंड है, बी भी क्या है, ऑपरेंड है, और ऑपरेटर्स का ये प्लस जो है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब ऑपरेटर क्या होता है कि हमारे पास वो सिंबल होता है, ऑपरेटर क्या है, वो सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, अब प्लस ने क्या है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस का, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, ऑपरेटर जो है वो हमारे पास सिंबल होता है जो कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है, जबकि ऑपरेंड क्या है, इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेंड क्या होता है, वो वैल्यू है जिन पर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म
करना होता है, ठीक है। ऑपरेंड हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जिन पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और ऑपरेटर हमारे पास वो होता है जिस पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, ठीक है। ऑपरेंड क्या है, हमारे पास कोई हमारे पास सिंबल है जिससे हमने कोई जो है ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, सिंबल होता है, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो हमारे पास सिंबल होता है, जैसे प्लस माइनस, ये जो है ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेंड जो है वो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ए बी सी, ये क्या है हमारे पास वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज होती हैं। उसके बाद क्या है जी, ऑपरेंड कैन बी अ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ऑपरेंड क्या है हमारे पास, ऑपरेंड जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। मैंने बोला है ना जो वैल्यूज जिन पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है, ए बी जो है ये हमारे पास ऑपरेंड है, और ऑपरेटर हमारे पास वो सिंबल होता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये जो सिंबल है ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेंड जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। मतलब कॉन्स्टेंट क्या है, कोई भी वैल्यू, कोई भी जो वैल्यू है 1, 2, 3, मतलब इसमें से कोई भी वो कॉन्स्टेंट हो सकती है। वेरिएबल हो सकता है, मतलब ए हो सकता है, बी हो सकता है, इस तरह की कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और कम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब हमारे पास ऑपरेंड जो है वो कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। एंड एक्सप्रेशन मे कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। अब क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो हमारा कंसिस्ट करता है एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। मतलब एक्सप्रेशन में कोई आपको उन्होंने लिमिट नहीं बताई कि आपके पास इतने ऑपरेटर होने चाहिए, इतने ऑपरेंड्स होने चाहिए। एनी नंबर ऑफ मतलब जितने मर्जी आप ऑपरेंड्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑपरेंड्स हमारे पास क्या है जी, ए भी हो सकता है, मतलब कॉन्स्टेंट भी, ए जो है वेरिएबल भी हो सकता है, 100 कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी जो है वो हमारे पास हो सकता है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ऑपरेंड हमने देखा कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल में देख लें, ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ए जो है वो हमारे पास क्या है, ऑपरेंड है, जबकि प्लस का साइन जो है हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन है, ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद देख लें, अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हो सकते हैं और ऑपरेंड्स हो सकते हैं। मतलब प्लस का साइन हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो बहुत लंबा भी हो सकता है। आपको कोई लिमिट नहीं बताई कि यहाँ तक जो है वो आपके आपका जो लिमिट है एक्सप्रेशन के, इतने नंबर्स होने चाहिए और इतने ऑपरेंड्स होने चाहिए या इतने ऑपरेटर्स होने चाहिए। वो कह रहे हैं जितने मर्जी आप ऑपरेंड्स ले सकते हैं, जितने मर्जी आप ऑपरेटर्स ले सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं जी, ए प्लस बी। अब प्लस जो है वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है, जिसने हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। प्लस नहीं कोई ऑपरेशन, मतलब उसने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना, और किन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ये ऑपरेंड कहलाते हैं। मतलब ये वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे ऑपरेंड कहलाते हैं। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी। ये देख लें, ये इनका कम्बिनेशन है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये दोनों का कम्बिनेशन है। अब प्लस का जो साइन है ये हमारे पास क्या है जी, ये ऑपरेटर है, और एक्स और 100 जो है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स है। इसी तरह एम और एन जो है वो हमारे पास क्या है जी, ऑपरेंड है, और ये जो डिवीजन का साइन है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। अब देख लें, इन द एग्जाम्पल ए प्लस बी, प्लस इज द ऑपरेटर, ठीक है। ये प्लस जो है वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। मतलब यहाँ पे माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है, ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर कहलाएंगे। एंड ए एंड बी आर वेरिएबल्स यूज एज ऑपरेंड्स, ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये किसके तौर पर यूज हो रहे हैं, ऑपरेंड के तौर पर यूज हो रहे हैं। आपके पास एक एक्सप्रेशन इस तरह दिया हो, आपसे पूछा ऑपरेटर कौन सा है, वो सिंबल जिसने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, प्लस माइनस, मतलब कोई भी ऑपरेटर है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है, प्लस का, माइनस का, और जो हमारे पास वेरिएबल हो या कॉन्स्टेंट हो उसे क्या हम बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता वो हम देख लेते हैं, ये है जी, व्हाट इज मीन बाय
मेंट बाय डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन, गिव सम एग्जांपल। अच्छा जी, डेटा टाइप में एक्सप्रेशन के डेटा टाइप क्या होगी? ठीक है, अब ये थी ना हमारे पास ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या था, एक एक्सप्रेशन था। अब हमने देखनी कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी। द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन। अब कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो डेटा टाइप है इन ऑपरेंड्स पर डिपेंड करती है, मतलब ए और बी जो है वो हमारे पास ऑपरेंड्स है ना, और जो प्लस का साइन है वो हमारे पास ऑपरेटर है। अब इसकी इस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या होगी वो इन पर डिपेंड करेगी, ऑपरेंड्स पर। अब ऑपरेंड मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ था इंट ए, ए की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट है, और बी की डाटा टाइप भी क्या है, इंट है। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, इंट होगी, क्योंकि हमारे पास ऑपरेंड की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट है। ठीक है, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना, डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा कि जो ऑपरेंड्स की डाटा टाइप होगी वही जो है वो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप ए लेती और बी भी फ्लोट लेती तो मेरी एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या बननी थी, फ्लोट बननी थी। अगर मैं चार यहाँ पे लेती, ठीक है, करेक्टर डाटा टाइप लेती, बी भी करेक्टर डाटा टाइप लेती तो मेरी एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या बननी थी, करेक्टर बननी थी। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इंट इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। ठीक है, कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप इंट तब होगी जब बोथ ऑपरेंड्स जो हमारे ए और बी क्या है, हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जब इन दोनों की डाटा टाइप इंटीजर होगी तो हमारे डाटा एक्सप्रेशन, ये पूरे एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। एन एग्जाम्पल इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स इज कॉल्ड मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। अब देख लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अब क्या है जी मेरे पास, एक तो हमारे पास है इंट टाइप की, मैंने एक डाटा टाइप ली, एक वेरिएबल जो है वो मैंने इंटीजर लिया, इंट टाइप का लिया, और दूसरा जो है वो मैंने कौन सा लिया, फ्लोट टाइप का ले लिया। ठीक है, दूसरा वेरिएबल जो है वो मैंने किस टाइप का लिया है, फ्लोट टाइप का लिया है। तो अब ये मेरे पास क्या होगी, एन एक्सप्रेशन इन विच, अब ये क्या है, ए जो है वो मेरे पास इंटीजर है। ठीक है, अब ये देखिए, ए जो है वो मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप है, ए की, ए वेरिएबल की टाइप जो है वो इंटीजर है, जबकि बी की डाटा टाइप जो है वो क्या है, फ्लोट है। तो ये क्या है, इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ऑपरेंड्स जो हैं, ए ऑपरेंड और बी ऑपरेंड है, इनकी डाटा टाइप देखें डिफरेंट है ना, तो ये क्या कहलाएगी, मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको को हम इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मिक्सड टाइप एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में देखेंगे कि अब हमने तो ये पहले पढ़ा ना कि जिस टाइप का ऑपरेंड होगा उसी, जिस टाइप का ऑपरेंड होगा डेटा टाइप, जिस टाइप के ऑपरेंड होगा, मतलब ऑपरेंड की जो डेटा टाइप होगी उसका एक्सप्रेशन की डेटा टाइप भी वही होगी। अब देखिए, इसकी एक ऑपरेंड की तो डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और दूसरी जो है हमारे पास वेरिएबल की डाटा, ऑपरेंड की डाटा टाइप जो है वो फ्लोट है। अब इनमें से, इन दोनों में से कौन सी हम जो है एक्सप्रेशन की डाटा टाइप लिखेंगे, ये देखते हैं। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड टू लार्जर डाटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस केस में जो डाटा टाइप लार्ज डाटा टाइप होगी ना वो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप बन जाएगी। अब इंटीजर जो है वो हमारी छोटी डाटा टाइप है, ये आपने याद रखना है, इंटीजर छोटी डाटा टाइप है, फ्लोट जो है वो इंटीजर से बड़ी डाटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर जो है वो हमारी छोटी डाटा टाइप है, फ्लोट जो है वो इंटीजर से बड़ी डाटा टाइप है। अब इस पूरे, अब हमने पढ़ा ना इस तरह के केस में अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड्स आ जाते हैं, डाटा टाइप्स के ऑपरेंड आ जाते हैं, तो उस सूरत में हमने एक्सप्रेशन की डाटा टाइप वो रखनी है जो डाटा टाइप बड़ी होगी, दोनों ऑपरेंड्स में से जिसकी डाटा टाइप बड़ी होगी एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी वही होगी। सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इंटीजर एंड डबल एज, अब चलिए अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास इसकी इस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या बनेगी, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप बड़ी है। क्यों बड़ी है, ये मेमोरी में जो इसकी बाइट्स ऑक्यूपाई करती है वो कितनी, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, इसलिए जो है ये डाटा टाइप बड़ी है।
उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल, सपोज एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इंटीजर एंड डबल एज ओपरेंड्स, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो ओपरेंड्स हैं, एक की डाटा टाइप इंटीजर है और एक की डबल है, द रिजल्ट विल बी इवैल्यूएटेड टू डबल डाटा टाइप, ठीक है। अब इंटीजर जो है वो हमारी छोटी डाटा टाइप है, डबल जो है वो बड़ी है, क्योंकि ये मेमोरी में जो स्पेस है बाइट्स ऑक्यूपाई करती है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, इसलिए इसकी डाटा टाइप क्या है वो बड़ी है। और हमारा रिजल्ट जो है वो किस में, उस रिजल्ट किस में लिखा जाएगा, हमारा रिजल्ट डबल डाटा टाइप में लिखा जाएगा, क्योंकि डबल जो है वो हमारी बड़ी डाटा टाइप है। इन्होंने देख लिया, नीचे कुछ डाटा एक्सप्रेशंस बताए हुए हैं, एक्सप्रेशन देखें, इंट प्लस फ्लोट, मतलब एक ओपरेंड हमारा वेरिएबल या ओपरेंड बोल लें इंटीजर टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का है, इन दोनों में से रिजल्ट जो है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जो डाटा टाइप है वो क्या बनेगी, जो लार्ज डाटा टाइप होगी यानी फ्लोट आएगा, रिजल्ट जो है वो किस में आएगा, फ्लोट में। इंट माइनस लॉन्ग है, तो इसमें से लॉन्ग जो है वो हमारी लार्ज डाटा टाइप है, तो इसका आंसर किस में आएगा, उस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या बनेगी, लॉन्ग बनेगी। इंट स्टैटिक डबल है, तो हमने ऊपर अभी देखा कि डबल जो है वो हमारे पास लॉन्ग डाटा टाइप है, तो ठीक है लार्ज डाटा टाइप है, तो क्या होगी इसकी जो डाटा की एक्सप्रेशन है, डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की जो डाटा टाइप है वो किस में आएगी, डबल में आएगी। फ्लोट डिवीजन लॉन्ग डबल, तो अंडरस्टूड है कि फ्लोट से ज़्यादा बाइट्स जो है वो लॉन्ग डबल लेती है, तो हमारी लार्ज डाटा टाइप कौन सी होगी, हमारी लॉन्ग डबल, और हमारी एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या बनेगी, लॉन्ग डबल बनेगी, ठीक है। इस अगर इस टॉपिक में से आपको किसी बात की भी समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के जिस लेक्चर में जो है वो हमने एक्सप्रेशन देखा, एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या रखते हैं, ये भी आज के टॉपिक में देखा। अगर किसी बात की समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।